सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड टिकार जो मैं तुम्हें फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको जो भी ड्रामे आज आए हैं उसके बारे में और साथ ही साथ जो ड्रामे आने वाले हैं उसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करो, चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको इसी तरह ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ड्रामे आपको देखने को मिलने वाला है उसके बारे में। तो जो पहला ड्रामा है जिसका नाम है द ग्लोरी, तो फाइनली इसका जो डेट है अब अनाउंस्ड हो गया है, यानी कि ये जो ड्रामा है अब आपको 30 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। अब जो अगला कोरियन ड्रामा है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है मिसिंग द अदर साइड, ये ड्रामा आपको 12 अक्टूबर को यानी कि कल देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पे, वो भी ओरिजिनल लैंग्वेज में विद सबटाइटल। ये एक थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा होने वाला है जिसके अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने मिलेंगे जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे 10 मिनट के अराउंड में रख के प्रेजेंट की जाएगी। तो यदि आप इस ड्रामे को देखना चाहते हो तो कल आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो अगला कोरियन ड्रामा जो कि आपको कल ही वो भी नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलेगा जिसका नाम है शूटिंग स्टार, ये कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड ड्रामा है जिसके अंदर आपको टोटल 16 एपिसोड देखने मिलेंगे जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे के अराउंड में रखकर प्रेजेंट की जाएगी। तो यदि आप इस कॉमेडी रोमांस ड्रामे को देखना चाहते हो तो कल से इसको भी चेकआउट कर सकते। अब जो अगला कोरियन ड्रामा है जो कि नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलेगी जिसका नाम है अंडर द क्वींस अम्ब्रेला, एक हिस्टोरिकल कॉमेडी पॉलिटिकल ड्रामा होने वाला है जिसके अंदर आपको टोटल 16 एपिसोड देखने मिलेंगे जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे के अराउंड में रखकर प्रेजेंट की जाएगी। और ये जो ड्रामा है आपको ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ 15 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे। तो अभी बात करते हैं जो ड्रामा आज के डेट में रिलीज की गई है उस, तो आज के डेट में एमएक्स पे एक नया चाइनीज ड्रामा रिलीज किया गया है जिसका नाम है नीचांग। तो आपको बता दूं कि अब एमएक्स पे आपको हफ्ते में 2 ड्रामा देखने को मिलेंगे, सैटरडे को और ट्यूसडे को। अब अगर बात करें इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 7.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 जो कि एक हिस्टोरिकल बिजनेस रोमांस पे बेस्ड ड्रामा है जिसके अंदर आपको टोटल 40 एपिसोड देखने मिलते हैं जिसकी रनिंग टाइम 45 मिनट के अराउंड में रख के प्रेजेंट की गई है। एमएक्स पे अभी 40 में से 15 एपिसोड हिंदी में डब करके प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यदि आप इस ड्रामे को देखना चाहते हो तो जा करके आप चेकआउट कर सकते हो, ये ड्रामा हिंदी में अवेलेबल है एमएक्स पे। और हाँ, अगर आपको जानना है कि अक्टूबर में एमएक्स पे कौन कौन से ड्रामे आने वाले हैं और कब आने वाले हैं तो इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैं एंड में दे दूंगा, तो इस वीडियो के बाद उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि एमएक्स पे अक्टूबर में कौन कौन से ड्रामाज आपको देखने को मिलेंगे। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।